हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। जब रेप सीन के बाद सहम गई थी माधुरी, विलेन से बोली, मुझे हाथ मत लगाना। रंजीत और माधुरी दीक्षित, बात 80 के दशक की है। ये वो दौर था जब माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में आई ही थी। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी, प्रेम प्रतिज्ञा। फिल्म में उनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म में विलेन का किरदार रंजीत ने निभाया था। बता दे कि फिल्म के एक रेप सीन की वजह से माधुरी इतनी ज्यादा सहम गई थी कि सीन के बाद उन्होंने विलेन रंजीत से कह दिया था, मुझे हाथ मत लगाओ। हालांकि फिल्म में रेप सीन जरूरी था और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। सीन शूट होने से पहले माधुरी के मन की उथल पुथल। 80 के दौर में रंजीत की गिनती फिल्मों के पॉपुलर विलेन में की जाती थी। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की कहानी को देखते हुए उसमें एक रेप सीन भी डाला गया था। इस फिल्म का रेप सीन माधुरी दीक्षित और एक्टर रंजीत पर फिल्माया जाना था। सीन को शूट करने की सारी तैयारियां कर ली गई थी। माधुरी भी इस सीन के लिए तैयार थी, लेकिन माधुरी के मन में जमकर उथल पुथल चल रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के रेप सीन को लेकर उनके मन में कई सवाल उठे थे। सीन शूट होने से पहले वे सोच रही थी कि शूट के दौरान क्या होगा, वे कैसे करेगी। इस सीन जुड़ी कुछ और बातें। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती। प्रेम प्रतिज्ञा में रेप सीन को फिल्म का जरूरी हिस्सा माना गया था। इस बात को ध्यान में रखकर माधुरी भी इस सीन के लिए तैयार हो गई थी। जानकारों का कहना है कि माधुरी मन ही मन रंजीत की छवि को लेकर डरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे इसको सीन शूट कर लिया गया था। जहां शॉट से फिल्म की पूरी टीम खुश थी, वहीं रंजीत और फिल्म के डायरेक्टर बापू को लगा कि शायद माधुरी इस सीन को करने के बाद सहज महसूस नहीं कर रही है। रंजीत सीन शूट होने के बाद रंजीत और बापू ने माधुरी से पूछा कि क्या वो ठीक हैं, उन्हें रेप सीन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। माधुरी ने कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा और ना ही रंजीत का टच महसूस हुआ, लेकिन अंदर से वो बेहद डरी हुई थी। खुद रंजीत ने भी बताया था कि इस सीन को लेकर माधुरी काफी डरी हुई थी। शूटिंग से जुड़े किस्सों में सुनने को आता है कि माधुरी इस कदर डर गई थी कि उन्होंने रंजीत को उन्हें छूने तक से मना कर दिया था। फिल्म अबोध का एक सीन। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से पहले माधुरी अबोध 1984, आवारा बाप 1985, स्वाति 1986, मानव हत्या 1986, हिफाजत 1987, उत्तर दक्षिण 1987, मोहरे 1988, खतरों के खिलाड़ी 1988, दयावान 1988, तेजाब 1988, वर्दी 1989, रामलखन 1989 फिल्मों में नजर आ चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।